गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो आई एम टेकिंग योर साइंस क्लास टुडे ऑल्सो बिकॉज आफ्टर दिस यू आर हैविंग 7 days वेकेशन, 7 days हॉलीडेज. सो आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस द एक्सरसाइज विद यू. आफ्टर दिस आई विल सेंड यू PDF ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो. सो डू लर्न दीज क्वेश्चंस. ओके बेटा, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4. So here are the fill-ups. For a force to come into play, the two concerned bodies must dash with each other. So it should be interact. Don't write contact, because interaction mein contact ho bhi sakta aur nahi bhi ho sakta. Okay? So write interact. Now to draw water from a well. Well se pani khinchne ke liye hame rope ko kya karna padega? Pull karna padega. An unbalanced force acting on a moving object may change its speed and or its direction. आप size भी लिख सकते हो, state भी लिख सकते हो, position भी लिख सकते हो. Okay. In the game of cricket, the balls fall when the ball strikes them. This is an example of which force? Muscular force or unbalanced force? Okay. देन बेल्स फॉल के लिए आप कॉन्टैक्ट फोर्स भी ले सकते हो. देन द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग आर बॉडी हेयर वेन वी ट्राई टू टेक ऑफ अ सिंथेटिक शर्ट इन ड्राई वेदर कंडीशंस. तो वो चार्जिंग हो जाती है ना, तो उस चार्जिंग वाले फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके. देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डैश एज वी मूव टूवर्ड्स हायर ऑल्टीट्यूड्स. हम जितना ऊपर जाते जाएंगे, हमारे ऊपर वाली एयर, हमारे ऊपर जो एयर है उसका प्रेशर कम होता जाएगा एंड देयर फोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस. बिकॉज हमारे ऊपर जो एयर है वो उसका अमाउंट कम हो गया, तो उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा. सो नाउ हेयर यू आर हैविंग ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स मे चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. सो इट्स वेरी ट्रू. डायरेक्शन चेंज करोगे तो इफेक्ट ऑफ फोर्स कोई भी चेंज हो सकता है. उसकी साइज चेंज हो सकता है, उसका शेप चेंज हो सकता है. ओके. सो उसकी स्पीड भी चेंज हो सकती है. देन सेकेंड, अ फोर्स हैज़ टू बी स्पेसिफाइड बोथ इन टर्म्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन. येस, इन बोथ. हमें उसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए, ज़्यादा वैल्यू भी डिपेंड. जैसे कोई भी भारी चीज़ है उसके लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और डायरेक्शन तो अप्लाई करनी ही पड़ती है बेटा. देखना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, कम होगी, कैसा होगा. ओके. देन फ्रिक्शनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इट्स नॉट ट्रू बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स ओनली कम्स इनटू प्ले व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद समथिंग. कोई भी चीज़ किसी के साथ रगड़ खाएगी, इरेगुलरिटी होगी, सो इट विल बी देयर विल बी फ्रिक्शनल फोर्स. Then a gas filled balloon moves up. A gas से भरा हुआ balloon ऊपर गया. Upward force acting on it is smaller than the force of gravity. क्या force of gravity से जो upward force है वो कम है? हाँ जी. So we were on a gas filled balloon moves up. द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज स्मॉलर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ये कैसे हो सकता है ना? अपवर्ड फोर्स अगर कम होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होगी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होने का मतलब वो उसको नीचे की तरफ खींचेगा. सो इट्स फॉल्स बिकॉज अपवर्ड फोर्स शुड बी लार्जर. दैट्स वाई द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल नॉट बी एबल टू पुल टूवर्ड्स इटसेल्फ. ओके. So we can reduce the pressure of a given force by increasing the area over which the force acts. Yes. So area badhaoge to pressure kam hoga hi hoga, hai na? So this was the true and false. Now we are coming on tick the correct options. First is when two force applied on an object are equal and opposite, then the forces क्या हो जाएगा? इक्वल एंड ऑपोजिट है तो बैलेंस हो जाएगा ना, और बैलेंस हो जाएगा तो वो उस ऑब्जेक्ट को तो मूव नहीं करेगा. मे मूव द ऑब्जेक्ट नहीं, बिकॉज इक्वल एंड ऑपोजिट. मे स्टॉप द ऑब्जेक्ट नो, उसकी
मोशन की स्टेट में चेंज ही नहीं आने वाला है बिकॉज इक्वल एंड ऑपोजिट है. मे मूव द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो कॉज अ चेंज. मूव तो करेगा ही नहीं. सो डू नॉट मूव द ऑब्जेक्ट, बट हाँ अगर वो कोई चीज़ प्रेस होने वाली कंप्रेस होने वाली है तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी. ठीक है. नाउ द फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ सम ऑफ द वेल नोन फोर्सेस, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, मास्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. इनमें से कॉन्टैक्ट फोर्सेज कौन से हैं? ग्रेविटेशन के लिए कोई कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए, मस्कुलर के लिए कॉन्टैक्ट चाहिए, मैग्नेटिक के लिए कोई कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए, डी के लिए कॉन्टैक्ट चाहिए. सो बी एंड डी. रोहिणी इज पुशिंग द बॉक्स टूवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन. रोहिणी वेस्ट डायरेक्शन की तरफ पुश कर रही है बॉक्स को विद अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ. टू हेल्प हर मूव द बॉक्स फास्टर इन द सेम डायरेक्शन हर फ्रेंड शुड. देखो उसको ज़्यादा स्पीड में उसको बॉक्स को मूव कराना है तो उसकी फ्रेंड को कहाँ लगाना पड़ेगा? अगर ईस्ट डायरेक्शन में वो पुश करेगी तो आप सोचो वो तो ऑपोजिट हो जाएगा ना, तो आपका जो नेट फोर्स आएगा दैट विल बी एफ वन माइनस एफ टू. तो दैट मीन्स उसको उसी डायरेक्शन में मीन्स वेस्ट डायरेक्शन में पुश ही करना पड़ेगा, पुल भी नहीं करना, पुल भी ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी और किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ. सो किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ हो तो उसके मैग्नीट्यूड में तो उसका मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा ना, वैल्यू ऐड हो जाएगी दोनों, तो किसी भी हद तक वो किसी चाहे थोड़ा सा भी इंक्रीज करे लेकिन फास्टर तो होगा ही. ओके. अब कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो. अब देखो बी पॉइंट का है, ए पॉइंट का है और सी पॉइंट का है, तो अभी हमें देखना है कि इनमें से प्रेशर कौन सी स्टेटमेंट इनकी ठीक है, मतलब प्रेशर किस पे सबसे ज़्यादा है. तो जो जिसकी जो सबसे ज़्यादा डीप में होगा, डेप्थ पे होगा, उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा. जैसे प्रेशर एट सी, फिर उसके बाद उसके ऊपर वाला प्रेशर एट बी, फिर उसके ऊपर वाला प्रेशर एट सी. सो आई होप दैट इट इज़ क्लियर. देन बच्चे नेक्स्ट इज इसमें एन एम्प्टी मेटल बॉटल इज देयर. बॉटल पे हमने रखी है तो इसकी कौन सी पोजीशन ऐसी होगी जिसमें ये सबसे ज़्यादा फोर्स लगाएगी, प्रेशर लगाएगी? तो सबसे ज़्यादा प्रेशर तो सबसे कम एरिया में लगता है, तो सबसे कम एरिया बताओ किसमें है, ए में या बी में या सी में? सी में तो सबसे ज़्यादा है. अब ए और बी को देखेंगे तो इसका बेस बड़ा है उसके माउथ से, सो पोजीशन बी हैज़ द लोएस्ट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, सो इट विल हैव द ग्रेटेस्ट प्रेशर. नाउ इन फिफ्थ सॉरी सिक्स्थ, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर विद इट्स नोजल कैप्ड अंडर वाटर, हमने उसकी नोजल को जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको पानी में रखा, देन ड्रॉपर को हमने प्रेस किया. एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. ड्रॉपर के अंदर वाली जो एयर है वो बबल्स की फॉर्म में एस्केप हो गई, निकली बाहर. इफ़ वी देन रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब, वाटर अंदर फिल हो जाएगा. सो द राइज ऑफ द वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू, येस वेरी राइट दैट इट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि पानी जिस पानी के अंदर आपने ड्रॉपर रखा है उस पानी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से एयर प्रेशर उसके अंदर जब कम हो जाएगा ड्रॉपर में तो बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वाटर के ऊपर दबाव डाल रहा है वो उसको अंदर की तरफ फोर्सली पुश करेगा. ओके सो इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देन वी आर हैविंग सो वी आर एट पार्ट डी. पार्ट डी में फर्स्ट क्वेश्चन देखो, दे आर फॉलोइंग सिचुएशंस आर गिवन एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द एजेंट एग्जर्टिंग फोर्स, कि वो फोर्स लग किससे रहा है एंड वट इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज प्रोड्यूसिंग, उससे फोर्स का क्या इफेक्ट है. सो स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स, उसमें क्या है, मसल्स काम कर रही हैं एंड चेंज इन शेप इज देयर. देन अ पर्सन डाइविंग इन टू अ स्विमिंग पूल, इसमें भी मसल्स काम कर रही हैं हैंड्स एंड बॉडी की और पोजीशन चेंज हो रही है. देन द थर्ड इज अ लेबरर मूविंग अ लोडेड कार्ट, सो बॉडी मसल्स ऑफ लेबरर आर देयर एंड कार्ट जो है वो मोशन में आ गया, या फिर उसकी स्पीड चेंज हो रही है या डायरेक्शन चेंज हो रही है. देन अ कार मूविंग टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ, सो यहाँ पे था इंजन, इंजन एजेंट है,
सो स्टे चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, मोशन से रेस्ट में आ गया. देन एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप, ऑब्वियसली मसल्स ऑफ एथलीट एंड चेंज इन पोजिशन इज देयर. ओके देन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस इज अ नेट नॉन जीरो फोर्स. सो इज इट पॉसिबल ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन? नेट जीरो फोर्स है, दैट मीन्स वो चल रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है. सो क्या वो कॉन्स्टेंट स्पीड से चल सकता है स्ट्रेट लाइन में? यस, बिल्कुल चल सकता है, बहुत ईजीली चल सकता है, ठीक है. नॉन जीरो फोर्स है, उसने ये तो नहीं कहा कि वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, एक ही फोर्स के साथ बढ़ता चलता चला जा रहा है. सो दैट कैन बी इन स्ट्रेट लाइन. ओके देन डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट. सो इसमें आपको डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल्स लिखना है, आई विल गिव यू द PDF ऑल्सो. When we throw a ball upwards, what happens to its speed while it is going up? Give reasons for its answer. देखो when we throw a ball upward, its speed will decrease. क्यों? क्योंकि जो gravitational force है उसको नीचे की direction में खींच रहा है. Okay. Then the figure shows a man with a parachute. Name the force which is responsible for this. So it is gravitational force, नीचे की तरफ आ रहा है, downward motion है. And it is non-contact force. Will the man come down with the same speed without the parachute? No, क्योंकि जैसे ही वो नीचे आता जाएगा उसकी gravitational pull भी बढ़ती चली जाएगी, that's why उसकी speed increase हो जाएगी. Okay. So how would the pressure exerted by a force on an area change? ध्यान से देखो, P is equal to F upon A. ठीक है, तो A को अगर आप double करोगे तो हो जाएगा P इज इक्वल टू एफ अपॉन टू ए. सो मीन्स P को अगर हम देखेंगे तो वो हाफ हो गया, हाफ एफ अपॉन ए, है ना. लेकिन अगर आप थ्रस्ट को डबल कर रहे हो तो थ्रस्ट ऊपर डबल हो रहा है, टू एफ अपॉन ए हो रहा है, तो दैट मीन्स पूरा प्रेशर ही डबल हो जाएगा. ओके सो इसको ध्यान से समझना, और ना समझ में आए तो बताना बेटा प्लीज. When will a diver experience a greater pressure, 100 सेंटीमीटर पे या 200 सेंटीमीटर बिलो द वाटर? सो बेटा जितना ज़्यादा डीप है वो उतना ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर लगेगा. सो सबसे ज़्यादा डीप तो वो 200 सेंटीमीटर पे है, तो डाइवर विल एक्सपीरियंस अ ग्रेटर प्रेशर एट द डेप्थ. देन डिफाइन फोर्स, नाउ यू कैन डू दैट, द पुशर पुल. नाउ इज इट नेसेसरी फॉर टू बॉडीज टू बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट? नो इट्स नॉट, यस बट इंटरैक्शन इज देयर, बट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट शुड नॉट, कैन बी देयर और कैन नॉट बी देयर. सो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर दिस. ओके देन थ्री इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यू कैन ईजिली गिव दस थ्री इफेक्ट्स ऑफ फोर्स विद एग्जाम्पल्स. नाउ गिव रीजन्स, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये. स्नो शूज आर मोर इफेक्टिव देन ऑर्डिनरी शूज फॉर वॉकिंग ऑन स्नो. क्यों बेटा? बिकॉज स्नो शूज का लार्ज और फ्लैट सोल होता है, तो मतलब ज़्यादा एरिया इन कॉन्टैक्ट हुआ तो प्रेशर कम पड़ेगा और स्नो में सिंक नहीं होंगे वो शूज़, ठीक है. देन सेकेंड इज, स्पॉटर्स प्लेस अ लार्ज राउंड पीस ऑफ क्लोथ ऑन देयर हेड. अगेन कि एरिया ऑफ सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो जाए और उनके सिर पे प्रेशर कम पड़े. नाउ अ शार्प नाइफ कट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वेरी इफेक्टिवली देन अ ब्लंट नाइफ. क्यों? क्योंकि लेस सरफेस एरिया है, शार्प नाइफ का सरफेस एरिया कम है ब्लंट से, तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, देन इट विल बी इजी टू कट विद द शार्प नाइफ. देन स्कूल बैग्स, वाय द स्कूल बैग्स आर प्रोवाइडेड विद वाइड स्ट्रैप्स? ताकि हमारे शोल्डर्स में कम जोर पड़े, क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, देन इट विल बी ईजियर टू कैरी देम. Now it is much easier to burst an inflated balloon with a needle than with a finger. हम needle मारेंगे तो एकदम फट जाएगा balloon, बजाय के finger से हम उसको फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि needle बहुत sharp होती है ना, उसका एरियन contact कम होता है बहुत थोड़ा सा, तो pressure बढ़ जाता है, जिस वजह से वो easily burst हो जाता है. Then mountaineers may suffer from nose bleeding at high altitude. Why? बिकॉज हाई ऑल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से उनकी बॉडी के अंदर का प्रेशर बढ़ गया, जिससे बैलेंस बिगड़ गया और उस वजह से
अंदर का प्रेशर की वजह से वो ब्लीडिंग ब्लड बाहर की तरफ आ जाएगा। ओके, सेम एयरप्लेन्स में भी यही बात है कि प्रेशराइज्ड केबिन्स क्यों होते हैं, ताकि एयर प्रेशर कम, क्योंकि हाइट पे एयर प्रेशर कम होता है तो पैसेंजर्स को प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से उनको उतना ही एयर प्रेशर मिले जितना उनको नॉर्मली लैंड पर मिलता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, टू रोड्स ए एंड बी ऑफ द सेम हाइट एंड इक्वल लेंथ हैव डिफरेंट थिकनेस। बॉय विल प्ले वाइल प्लेइंग विद देम ऑन अ बीच, हेल्ड देम वर्टिकली ऑन द सर्फेस ऑफ सैंड एज शोन इन द फिगर, विच वन ऑफ देम विल सिंक लेस। तो बेटा जिसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा वो ज़्यादा सिंक करेगी, और जिसका ज़्यादा होगा उसका वो जिसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा वो कम सिंक करेगी। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ विद अ लार्जर एरिया प्रेशर विल बी लेस, सो रोड बी विल सिंक लेस। नाउ 3 होल्स ए बी एंड सी आर देयर इन एन एम्प्टी कैन, सो दे आर क्लोज विद एन एडहेसिव टेप, सो द कैन इज नाउ फिल्ड विद वाटर। आप क्या ऑब्जर्व करोगे? ऑब्वियसली वही एक्टिविटी है बेटा, वी विल ऑब्जर्व दैट ए पॉइंट से सबसे ज़्यादा प्रेशर से पॉइंट वाटर निकलेगा, बिकॉज एट डेप्थ द प्रेशर इज ग्रेटर, क्योंकि उसके ऊपर वेट ऑफ वाटर लिक्विड बहुत ज़्यादा होगा। ओके, देन 6, मेक 2 टाइनी होल्स ऑफ द सेम साइज एट इक्वल हाइट्स, कवर देम एंड फिल द बॉटल विद वाटर। नाउ स्टेट द ऑब्जर्वेशन। बच्चे क्या कंक्लूड करोगे कि जब हम इनकी टेप हटाएंगे तो ए और बी से बिल्कुल सेम प्रेशर से पानी जाएगा सेम डिस्टेंस तक। तो इससे हम ये ऑब्जर्व करके ये कंक्लूड करते हैं कि सेम हाइट पे हर तरफ लिक्विड सेम प्रेशर लगाता है। ओके, देन द लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस इन ब्रीफ द वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद ऑल्टीट्यूड एंड देन द चेंजेस इन टेम्परेचर ऑल्सो कॉज अ चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस, ये बेटा हम कर चुके हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का टेम्परेचर से कैसे अफेक्ट पड़ता है और ऑल्टीट्यूड पे कैसे अफेक्ट पड़ता है। अब जैसे हम ऑल्टीट्यूड पे ऊपर जा रहे हैं, ऑल्टीट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि हमारे उस ऑल्टीट्यूड के ऊपर अमाउंट ऑफ एयर कम हो गई, तो अमाउंट ऑफ एयर कम हो गई तो वो प्रेशर भी तो कम लगाएगी ना, ठीक है। देन चेंज इन टेम्परेचर से भी चेंज होता है, यस बिल्कुल चेंज होता है। तो टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस, एयर बिकम लाइटर, और जैसे ही वो हल्की होगी, हल्की होने से एक्सपैंड हो जाएगी, एक्सपैंड होने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ओके, और जैसे ही वो यही सेम उल्टा होगा कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो कोल्ड हो जाएगी, हैवी हो जाएगी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा। नाउ दिस वॉज द एक्सरसाइज। आई एम प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड बोर्ड क्वेश्चन ऑल्सो टू यू, सो ट्राई देम ऑल्सो एंड लर्न देम ऑल्सो। सो लर्न द चैप्टर इफेक्टिवली एंड रीड द चैप्टर वेरी इफेक्टिवली, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड ऑल द बेसिक्स। ओके बेटा जी, थैंक यू वेरी मच, एन्जॉय योर हॉलीडेज, बाय।